हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी भरवा। इसके लिए मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हींग। अगर आपके घर में हींग का स्वाद नहीं पसंद किया जाता तो हींग ना डालें। हल्दी 1-1 चम्मच, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और आमचूर पाउडर। मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया है। आपके पास चॉपर ना हो तो कुटनी में कूट लें। भिंडी को ऊपर से और नीचे से मैंने काटा है और बीच में एक चीरा लगाया है। अब मसालों को प्याज, लहसुन, मिर्ची के साथ अच्छे से मिला लेंगे, फिर भरवे का जो भरवा मसाला है वो तैयार हो जाएगा। देखिए, मैंने अच्छे से मसाला तैयार कर लिया है। अब एक एक भिंडी लेंगे, उसको बीच से ऐसे करेंगे और उसके बाद इसमें मसाले भर देंगे। मसाले भरने में कंजूसी ना करें, मसाले अच्छे से भरें, तभी खाने में मज़ा आएगा। देखिए, मैंने एक भिंडी में मसाला भरकर तैयार कर लिया है। मैं एक और भिंडी में मसाला भरकर आपको दिखाती हूँ। कितना टाइम लगना है वो बस इसी समय मसाले भरने में लगता है, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, भिंडी जल्दी ही पक जाती है। तो एक एक कर मैंने सारे भिंडी में मसाले भर दिए हैं। अब मैंने तवा लिया है, तवे पे मैंने तेल डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन और मंगरेला। मंगरेल भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग कलौंजी भी बोलते हैं। अब तवे पे एक एक करके सारी भिंडी मैं रख दूँगी। तकरीबन हम एक तरफ इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे, फिर इसको एक एक करके पलट देंगे और पलट के भी हम इसको दूसरी तरफ से 5 से 6 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी भिंडी को पलट दिया है। भिंडी अच्छे से पक रही है, देखिए कितना सुंदर दिख रही है। अब बस आखिर के 3 से 4 मिनट हम इसे ढककर पकाएंगे और ये तैयार है। तो भरवा भिंडी हमारी तैयार है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो ज़्यादा मसाले निकल जाएंगे, तवे पे बनाएंगे तो देखिए मसाले अंदर ही रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।